थ्योरी ऑफ रेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सरप्लस जब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ रेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सरप्लस की तो दी कॉन्सेप्ट फॉर स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स अब जब आप नेचुरल रिसोर्स की बात करते हो दीज नेचुरल रिसोर्स आर यूजली लिमिटेड इन सप्लाई जब आप फार्मिंग एग्रीकल्चर आउटपुट के रेफरेंस में सारी हम डिस्कशन करें तो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट इट रिक्वायर सर्टन इनपुट और वो इनपुट्स को हमने कैटेगराइज किया अंडर सब हेडिंग ऑफ लैंड लेबर कैपिटल तो अगर मैं अब यहाँ पे अगर लैंड की बात करूं तो लैंड क्या है लैंड इज द नेचुरल रिसोर्स दैट इज लिमिटेड इन सप्लाई अब इस लैंड के यूजेज के अगेंस्ट जो भी पेमेंट की जाएगी उसको हम क्या कहते हैं यूजेज ऑफ लैंड प्रोड्यूसर टू मेक अ पेमेंट इन ऑफ रेंट और ये जो थ्योरी ऑफ रेंट है कंसेप्ट ऑफ फ्रेंड फॉर स्कर्सोर्स एंड इट द पेमेंट मेड फॉर दूस लैंडोर्स जब आप लैंड फ्रेगमेंट की बात करते हो देर आर डिफरेंट लैंड फ्रेगमेंट आर अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन और ये जो लैंड फ्रेगमेंट हैं दीज हैिटी एंड प्रोडक्टिविटी जब वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ फर्टिलिटी होगी उन लैंड फ्रेगमेंट्स की तो वो दोज लैंड फ्रेगमेंट कैन प्रोड्यूस डिफरेंट लेवलपुट बट इफ देर इज इंक्रीज इन डिमांड फॉर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल आउटपुट इंक्रीज इन डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स इट ये क्या करेगा इट विल इंक्रीज द नीड ऑफ लैंड टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल आउटपुट और जब आपके पास डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल लैंड इंक्रीज करेगी देर इज इंक्रीज इन डिमांड ऑफ लैंड टू तो प्रोड्यूस एग्रीकल्चर आउटपुट तो आपके पास जो लीज फर्टाइल फ्रेगमेंट ऑफ लैंड है उसको भी हम क्या करेंगे We will bring those प्रुण 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 प्रुण। और ये हम कब करेंगे वेन इट इज नेसेसरी टू तो मीट द राइजिंग डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट और हम ये लीज फर्टाइल फ्रेगमेंट्स ऑफ लैंड कब तक अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे जब तक वो लैंड आपके पास प्रोडक्टिव लैंड ना हो जब हम प्रोडक्टिव लैंड की बात करते हैं दीज आर द दैट जनरेट सम इकोनॉमिक सरप्लस और रेंट हम रेंट को डिफाइन करते हैं इट इज दरप्लस जनरेटेड बाई यूजिंग लैंड आफ्टर द कवरिंग ऑफ इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट बाई यूजिंग लैंड कोई ना कोई एग्रीकल्चर आउटपुट प्रोड्यूस होगा उस एग्रीकल्चर आउटपुट के अगेंस्ट जो भी वैल्यू होगी अगर मैं उस वैल्यू में उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास जो चीज आएगी दैट इज रेंट और जो जो रेंट है दिस रेंट इज डिफरेंस इन प्रोडक्टिविटी बिटवीन प्रोडक्टिव एंड लीज प्रोडक्टिव लैंड और यहाँ पे जब हम लीज प्रोडक्टिव लैंड की बात करते हैं तो हम इसको कहते हैं दीज आर द मार्जिनल लैंड और मार्जिनल लैंड क्या है दीज लैंड नॉट जनरेट एनी रेंट

तो हमने ये सरप्लस को यूजली कैटेगराइज किया था अंडर ऑफ़ कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस एंड इकोनॉमिक क्या है द डिफरेंस विलिंगनेस टू पे एंड एक्चुअल सरप्लस को डिस्कस किया था तो हमने कहा था इट इज द डिफरेंस इन विलिंगनेस टू एक्सेप्ट एंड एक्चुअली वट प्रोड्यूसर रिसव द डिफरेंस इन विलिंगनेस टू एक्सेप्ट एंड एक्चुअली वट आर प्रोड्यूसर रिसवर इकोनॉमिकस को हमने डिफाइन किया था इट इज इक्वल टू कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस और एफिशियंट मार्केट को ऑब्जेक्टिव क्या होता है इकोनॉमिक सरप्लस अब ये जब हम रेंट की बात करते हैं रेंट इज अर्निंग अगेंस्ट द लैंड और रैंक इज अ फॉर्म ऑफ सरप्लस दिस इज द एक्सेस वैल्यू दैट इज जनरेटेड बाय यूजिंग लैंड जो आपके पास फर्टाइल और प्रोडक्टिव लैंड्स है इट जनरेट्स रेंट वाई लेस फर्टाइल अर्न प्रोडक्टिव लैंड डज नॉट अर्न एनी रेंट और ये जो इट इज बेसिकली द पेमेंट मेड फॉर द यूज ऑफ प्रोडक्टिव लैंड और इसको मैं कह सकता हूं कि इट रिप्रेजेंट दि सरप्लस गेंग फ्रॉम यूटिलाईज प्रोडक्टिव लैंड कंपेयर टू मार्जिनल लैंड और ये जो आपके पास रेंट है ये यह रेंट आपका इंफ्लुस होगा वेन एवर देर इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ आउटपुट रेंट ऑफ लैंड आप कह लें आपका इंक्रीज होगा इफ देर इज डिक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट जो हमने शुरू में डिफाइन किया था रेंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चर आउटपुट दैट इज प्रोड्यूस माइनस एट्स प्रोडक्शन कॉस्ट और अगर ये कोई पॉजिटिव नंबर है तो हम कह सकते हैं दैट एग्रीकल्चर लैंड इज रेटिंग सम रेंट और ये जो रेंट है आपके पास चेंज होगा वेन एवर देयर इज चेंज इन प्राइस ऑफ आउटपुट एंड इनपुट और अगर, अगर आपके पास प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट इंक्रीज हो जाए तो इट माइट बी पॉसिबल के बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड वेन देर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ इनपुट जो आपके पास मार्जिनल लैंड हैं वो भी आपके पास प्रोडक्टिव लैंड हो जाए प्रोडक्टिव लैंड आर लैंड जनरेट मार्जिनल लैंड क्या आती दीज आर द लैंड नॉट जनरेट एनी रेंट और ये जो रेंट है दैट इज बेसिकली असर That helps us to carry out a decision making whether we should use our land to produce agricultural output or not to produce agricultural output by using a particular piece of land.